आप देख रहे हैं UMH News। उन्नाव जिला के कस्बा सफीपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से भय का माहौल। नगर पंचायत अध्यक्ष नसीम अहमद समेत चार पर साजिश करने व जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज। हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आपको बताते चले कि सांसद प्रतिनिधि अल्पसंख्यक हसनैन बकाई अपने भाई हसन बकाई के साथ लखनऊ से देर रात सफीपुर के लिए आए और जैसे ही अपने आवास मोहल्ला पीरजात गान पर पहुंचे तो पीछे घात लगाए दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। हालांकि हसनैन बकाई व उनके भाई बाल बाल बच गए, जिसके बाद हसनैन बकाई ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस को घटनास्थल से 9 MM की बुलेट व खोखे पड़े मिले हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो अभियुक्त सईद अहमद व फरीद अहमद निवासी किला बाजार को रात में ही पकड़ लिया और दो लोग अभी फरार हैं। कि ये जो मामला हुआ है इसमें सईद अहमद एक कठपुतली है, इसमें जो मास्टरमाइंड है वो नसीम अहमद साहब है। चूंकि वो शख्स भी बार बार ये कह रहा है, वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, वो शख्स ये कह रहा है कि मारूंगा मैं, पैसा मुझ पर लगाएंगे नसीम अहमद साहब और मुझे बचाएंगे। तो मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि इस आरोपी को इसको तो पकड़ लिया गया, लेकिन नसीम अहमद को जल्द अज जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। चूंकि ये शख्स एक कतली बदमाश जिसके ऊपर जो गंभीर धाराओं पर, सुसंगत धाराओं पर इसमें पूर्व में भी मुकदमे चालू चल चुके हैं, 307 जैसी कई मुकदमे इसके ऊपर वंचित हैं और जिसकी विवेचना आज भी चल रही है और आज भी ये बाहरी बाहर टहल रहा है और न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहा है। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।